सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रश्मि सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने के लिए हैं, जिस टॉपिक में जिस पर बात करूंगी जिससे आपको लाभान्वित होंगे आप, वो है इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल, IQAC। IQAC ऐसा इतना कॉमन टर्म हो गया है आजकल कि हम लोग जो लोग कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और जैसे भी NAC एक्रेडिटेशन के संदर्भ में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। IQAC आपने देखा होगा, बहुत सारे वेबिनार्स के ब्रोशर शेयर होते हैं, जितना भी होता है सब कुछ, सारा जितना भी थीम होती है वो अंडर द सेल ऑफ IQAC होती है, क्योंकि IQAC का ये काम है कि इस तरीके की एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कराए। तो आज हम लोग जानते हैं कि ये कब गठित हुई, क्यों गठित होती है IQAC सेल, मतलब IQAC में खुद ही सेल है, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल क्यों गठित होता है, इसके क्या फंक्शंस हैं, क्या विजन मिशन है इसका, तो इस पर बात करते हैं। तो हम लोग इससे पता चल सकता है हमको कि IQAC क्या है, क्योंकि कई लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। IQAC क्या है? एज पर NAC हम लोगों को पता होना चाहिए, बहुत लोगों को पता भी होगा कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल है, और अक्सर हम लोग इसका जब प्रोनंसिएशन करते हैं तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीशन ऐसे करके निकल जाते हैं, लेकिन ये एक्रीडिटेशन है। तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल ने कहा, एवरी एक्रीडिटेड इंस्टीट्यूशन, यानी कि हर वो इंस्टीट्यूशन जिसका एक्रीडिटेशन हो गया है, शुड एस्टैब्लिश एन IQAC एज ए पोस्ट एक्रीडिटेशन क्वालिटी सस्टेनेंस मेजर। मतलब अगर हमारा NAC का विजिट हो चुका है तो हमको जरूर एक IQAC बनाना होगा जो कि पोस्ट एक्रीडिटेशन, मतलब एक्रीडिटेशन के बाद क्वालिटी को सस्टेन करने के लिए मेजरमेंट करेगा, इसलिए IQAC का गठन होता है। The IQAC becomes a part of the institution system and works towards realization of the goals of quality enhancement and sustenance. यानी कि institution का system part होता है, institutional system का part होता है, और इसका काम क्या होता है, goals इसके क्या है कि हमको quality enhancement के लिए काम करना है। तो यानी कि जितने भी quality enhancement के लिए colleges में, universities में, higher educational institutions में काम होंगे, वो उनका goal क्या है, towards quality enhancement. Then, the prime task of the IQAC is to develop a system for conscious, consistent and catalytic improvement in the overall performance of institutions. मतलब उसको सिर्फ academic नहीं देखना है, सिर्फ आपका teachers के लिए नहीं है, even non-teaching staff के लिए continuous लगे रहना है, consistent और catalytic improvement, ताकि हमारा ओवरऑल जो इंस्टीट्यूशन का परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सके। देन फॉर दिस ड्यूरिंग द पोस्ट एक्रेडिटेशन पीरियड इंस्टीट्यूशंस नीड्स टू चैनलाइज इट्स एफर्ट्स एंड मेजर्स टुवर्ड्स प्रमोटिंग द होलिस्टिक एकेडमिक एक्सीलेंस इंक्लूडिंग द पीयर कमेटी रिकमेंडेशंस। जिनके यहाँ NAC की विजिट हो चुकी है वो जानते हैं कि पीयर कमेटी जो टीम आती है उसको NAC पीयर टीम कहते हैं, और वो कुछ रिकमेंडेशन देके जाती है, मतलब कि हम कैसे अपने इंस्टीट्यूशन को और बढ़िया कर सकते हैं, और बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए जो वो रिकमेंडेशन देती है उसके तरफ, मतलब जैसे मान लीजिए वो कोई रिकमेंडेशन हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए देखी गई कि आपको ये काम कर लेना चाहिए, इस तरह क्लासेस ऑर्गेनाइज करने चाहिए, आप एक ट्यूशन सेंटर खोल सकते हैं, आप ऐसे ट्यूटोरियल चला सकते हैं, जो कुछ भी वो रिकमेंडेशन देके जाती है NAC पीयर टीम, उसके उसको पूरा करने के लिए उस दिशा में ये IQAC काम करती है। देन विजन क्या है इसका, किस दूर दृष्टि को देखते हुए IQAC की रचना की गई है, टू इंश्योर क्वालिटी कल्चर एज द प्राइम कंसर्न फॉर द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थ्रू इंस्टीट्यूशनलाइजिंग एंड इंटरनलाइजिंग ऑल द इनिशिएटिव्स टेकन विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल सपोर्ट। यानी कि इंटरनल सिस्टम से भी जो हमको सपोर्ट मिल सकता है, प्लस एक्सटर्नल सिस्टम से भी सपोर्ट लेकर हमको अपने जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, उनको हमको क्वालिटी कल्चर की तरफ ले जाना है, यानी कि हम क्वालिटी एजुकेशन दे पाए, और जो हमारा स्टूडेंट, जो हमारा निकल के आ रहा है वर्क, जो आउटकम हमको मिल रहा है, जो आउटपुट हमको मिल रहा है, वो क्वालिटेटिव हो, क्योंकि क्वांटिटेटिव इंक्रीज तो हम लोग कर चुके हैं ना, इतना तो हम लोग को आइडिया है। देन इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या है, कि टू डेवलप अ सिस्टम फॉर कॉन्शियस कंसिस्टेंट की बात हो गई, एंड टू प्रमोट मेजर्स फॉर इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग टुवर्ड्स क्वालिटी इन्हेंसमेंट थ्रू इंटरनलाइजेशन ऑफ क्वालिटी कल्चर एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। यानी कि हर इंस्टीट्यूशन की कोई ना कोई बेस्ट प्रैक्टिस होती है, और नहीं भी होती है तो उसको कुछ करना चाहिए, ऐसा कोई काम जो सिर्फ आप कर रहे हो, एकदम यूनिक हो, आप उसी के नाम से जाने जाएं, उसी के नाम से पहचाने जाएं, तो उसको हमको इंटरनलाइज करना है, किसके लिए, क्वालिटी इन्हेंसमेंट के लिए। एंड स्ट्रैटेजी क्या क्या उसके लिए फॉलो किया जाएगा, क्या तरीके होंगे, हमारी आव्यूह रचना क्या होगी, इंश्योरिंग टाइमली, इफिशियंट एंड
प्रोग्रेसिव परफॉर्मेंस ऑफ एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल टास्क, मतलब हमको शैक्षणिक भी देखना है, हमको प्रशासनिक भी देखना है और हमको वित्तीय भी जो हमारे टास्क हैं उन सब में टाइमली इफिशियंट और प्रोग्रेसिव परफॉर्मेंस है। प्रोग्रेसिव यानी उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर बढ़ना है। देन relevant and quality academic research programs, equitable access to and affordability of academic programs for various sections of society, or optimization and integration of modern methods of teaching, credibility of assessment, बहुत कुछ। तो इसीलिए जितने भी चूंकि ऑनलाइन वर्ल्ड है इसलिए वेबिनार टर्म आ रहा है, नहीं तो सेमिनार, जितने भी सेमिनार वेबिनार कॉन्फ्रेंसेज होते हैं वो अंडर आईक्यूएसी सेल इसलिए होता है कि आईक्यूएसी सेल चाहती है, देखिए फिर आईक्यूएसी के संग सेल निकल आ रहा है, आईक्यूएसी में खुद ही सेल है, आईक्यूएसी चाहती है कि हमारे यहाँ क्वालिटी इन्हेंसमेंट हो, तो इसलिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं, वर्कशॉप्स कराते हैं, कोलैबोरेशन के संग कराते हैं, एकेडमिक स्टाफ के लिए कराते हैं, नॉन एकेडमिक स्टाफ के लिए कराते हैं, इसीलिए आईक्यूएसी ये सब ऑर्गेनाइज करती है। और क्या इसके फंक्शंस हैं? डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ क्वालिटी बेंचमार्क, हमको सेट करना है कि इस क्वालिटी तक हमको अपने इंस्टीट्यूशन को लेकर जाना है। पैरामीटर्स फॉर वेरियस एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हमको पैरामीटर सेट कर देना है और उस पैरामीटर तक ले जाने के लिए हम एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कराएंगे। एंड फैसिलिटेटिंग द क्रिएशन ऑफ ए लर्नर सेंट्रिक एनवायरनमेंट, हर जगह लर्नर सेंट्रिक की बात हो रही है, अब टीचिंग स्टूडेंट सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड नहीं है, हमको लर्नर को ध्यान में रखकर करेंगे तो हम लर्निंग को इंश्योर कर पाएंगे। To quality education and faculty maturation to adopt the required knowledge and technology for participatory teaching and learning process, and dissemination of information, organization of inter and intra institutional workshops, collection and analysis of feedback from all stakeholders. देखिए on quality related institutional processes, अगर आप अपने यहाँ कोई काम शुरू करा रहे हैं, कोई आपने वर्कशॉप कराई है, कोई आपने नया इनिशिएटिव लिया है, कुछ लॉन्च किया है, तो हमको फीडबैक लेना पड़ेगा हर स्टेकहोल्डर से, टीचर से, एम्प्लॉयर से, नॉन टीचिंग स्टाफ से, स्टूडेंट से, पेरेंट्स से, जितने भी स्टेकहोल्डर्स हैं, ताकि हमको जो फीडबैक मिले तो हमको अगर पता चले कि नहीं ये बढ़िया लॉन्च नहीं हुआ है, कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो हम उसमें सुधार कर सके। इसलिए ये भी आईक्यूएसी का काम होता है। देन डॉक्यूमेंटेशन हमको रखना है, एक्टिंग एज ए नोडल एजेंसी हमको काम करना है, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल डेटाबेस, अब तो सब कुछ डेटा के रूप में है, डेटा इज ए वैल्यूएबल एसेट है ना, सबसे ज्यादा अगर कोई चीज हमारे लिए इस वक्त जरूरी है तो वो है डेटा। देन पीरियोडिकल कंडक्ट ऑफ एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट एंड इट्स फॉलो, देखिए अब कितने नए नए टर्म्स आ गए हैं शिक्षा जगत में, एकेडमिक ऑडिट पहले ये शब्द नहीं आता था सुनने में, यानी हमको एकेडमिक भी ऑडिट करना है, क्योंकि ये शब्द हमने कहाँ से बोरो किया है, हमने फाइनेंस से बोरो किया है, बैंकिंग सिस्टम से बोरो किया है, तो यहाँ भी ऑडिट होगा, वहां भी चेकिंग की जाती है कि जितना पैसा जिस मद में लगा सब ढंग से लगा, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, उसी तरह से हमारा मद क्या है कि शिक्षण कार्य हुआ नहीं हुआ, कितने बच्चे पास हुए, कितने उत्तीर्ण हुए, कितने अनुत्तीर्ण हुए, क्यों हुए, क्या आपने बढ़िया चीज लॉन्च की है, उसका क्या रिजल्ट है, एवरीथिंग। तो एकेडमिक ऑडिट को भी कंडक्ट कराना। देन प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ AQAR, देखिए हम सब लोग को AQAR फॉर्म भरना होता है साल में, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एनुअल क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट है, इसका फुल फॉर्म क्या है, एनुअल क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट, क्योंकि ये NAAC के गाइडलाइन और पैरामीटर के तहत हमको मिलता है कि हमको सबमिट करना है एट द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर, एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर, नॉट कैलेंडर ईयर, ताकि पता चल सके कि आपकी फैकल्टी ने कितना प्रोग्रेस किया है, कितना उसने क्वालिटी का कोई रिसर्च पब्लिकेशन है, कोई वर्कशॉप है, कुछ उसने ऑर्गेनाइज कराया है, कुछ अटेंड किया है, कहीं पेपर प्रेजेंट किया है, कहीं वो इनवाइटेड लेक्चरर के रूप में गया, इस तरीके की बात। फिर कॉम्पोजिशन ऑफ द आईक्यूएसी कैसे बनाएंगे इसको, तो चेयरपर्सन इसका बाई डिफॉल्ट हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होगा, टीचर्स 3 से 8 हो सकते हैं इसमें, जिसमें कि ऑल लेवल का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, 1 मेंबर मैनेजमेंट से होना चाहिए, कुछ सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी हमको रखने होंगे आईक्यूएसी में। देन 1 nominee ईच फ्रॉम लोकल सोसाइटी, स्टूडेंट्स एंड एलुमनाई का भी होना चाहिए, क्योंकि वो हमको बेहतर बता सकता है कि क्या नीड और डिमांड है। देन 1 nominee ईच फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और स्टेक होल्डर्स भी हो सकता है या होना चाहिए, और जो सीनियर, कोई एक सीनियर टीचर जो होगा वो उसका डायरेक्टर या कोऑर्डिनेटर हो जाएगा, किसका, आईक्यूएसी का, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल का। और कॉम्पोजिशन इस पर भी डिपेंड करता है कि कितना बड़ा साइज और कितना कॉम्प्लेक्स आपका इंस्टीट्यूशन है, कितने लेवल की पढ़ाई चल रही है, कितने स्ट्रीम की बातचीत वहाँ चल रही है ना, छोटा है तो आप छोटा रहेगा, बड़ा है तो कॉम्प्लेक्स है तो हमारा बड़ा हो जाएगा। उसी तरह से सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा मेंबर्स का, इट इज एडवाइजेबल टू चूज पर्संस फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स हू हैव अर्नड रिस्पेक्ट फॉर इंटीग्रिटी एंड एक्सीलेंस इन देयर टीचिंग एंड रिसर्च, मतलब बढ़िया टीचर और रिसर्चर को आप ले सकते हैं इसमें।
देन कोऑर्डिनेटर मे हैव साउंड नॉलेज अबाउट द कंप्यूटर डेटा मैनेजमेंट एंड इट्स वेरियस फंक्शंस. क्यों? क्योंकि सब कुछ डेटा हैंडलिंग आपकी अब ऑनलाइन हो गई है, तो उसको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, डेटा मैनेजमेंट आना चाहिए, हाँ बढ़िया उसका कम्युनिकेशन होना चाहिए, तब आप उसको IQAC का कोऑर्डिनेटर डायरेक्टर बन सकता है. फिर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव इसी तरह से है. फिर बेनिफिट्स में क्या है कि इंश्योर क्वालिटी एंड फोकस इन इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग टुवर्ड्स क्वालिटी, एंड फायदा ही फायदा है अगर आपने इसको वाकई ढंग से रन कर रही है, वाकई ये शिक्षण और गैर शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, तो बेनिफिट्स तो है ही. और इंश्योर इंटरनलाइजेशन ऑफ द क्वालिटी कल्चर. देखिए क्वालिटी को कल्चर बना लेना है, मतलब ये नहीं कि आज हम कुछ बढ़िया क्वालिटेटिव काम कर रहे हैं कल नहीं कर रहे हैं, ये हमारे कल्चर का हिस्सा बन जाए कि हम काम करें तो क्वालिटेटिव ही करें, उसमें क्वालिटी हो. देन इंश्योर एनहेंसमेंट, डायनेमिक सिस्टम, साउंड बेसिस, ऑर्गेनाइज्ड मेथोडोलॉजी, ये सब. फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट द AQAR आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्रीडिटेशन एवरी ईयर. मतलब हर साल हमको एक्रीडिटेशन होने के 1 साल के बाद से AQAR भरना है, और फंक्शनल IQAC को क्या करना होता है, टाइमली सबमिट करना होता है AQAR. ये मिनिमम इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट है. किसके लिए? टू वॉलंटियर फॉर सेकेंड, थर्ड और सबसिक्वेंट साइकिल्स एक्रीडिटेशन. यानी कि आपने एक बार अपना NAAC विजिट करा लिया, आपको फिर कराना है, फिर कराना है, फिर कराना है, तो आपको AQAR सबमिट करना ही होगा. देन ड्यूरिंग द इंस्टीट्यूशनल विजिट द NAAC पीयर टीम्स विल इंटरैक्ट विद द IQAC पर्सन्स, या IQAC का जो के चेयरपर्सन है, जो IQAC के मेंबर्स हैं, ताकि वो बता सकते हैं कि कितना काम कॉलेज में, आपके इंस्टीट्यूशन में, आपकी यूनिवर्सिटी में हुआ है, टू नो द प्रोग्रेस फंक्शनिंग एज वेल एज क्वालिटी सस्टेनेंस इनिशिएटिव्स अंडरटेकन बाय देम. क्योंकि हर काम अंडर द हेड ऑफ IQAC होना है. ठीक है, तो IQAC एक ऐसा टर्म जिसे हम लोग रोज डील करते हैं, लेकिन अक्सर कई चीजें हम इसके बारे में नहीं जानते हैं. तो ये एक मेरा प्रयास कि हम लोग IQAC को बेहतर जान सकें, जिससे कि हम बढ़िया क्वालिटी काम करें और बढ़िया AQAR सबमिट करें और बढ़िया NAAC टीयर टीम से हमको ग्रेडिंग मिले. ओके, सो इट इज ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू.